Gems is associated with the childhood of so many people. That is what Delhi High Court said few days back. In a leading judgment I have mentioned below, it was a trademark infringement case. जो trademark होता है, जैसे ये gems का packet है, there was a similar company with, by the name of James Bond. This is James, that was James Bond, जो कि नीरज फ्रूट प्रोडक्ट्स एक जेम्स बॉन्ड नाम का प्रोडक्ट बना रहे थे एंड इट हैड द सेम पैकेजिंग. आई हैव शोड इन हियर द पिक्चर आई हैव इंसर्टेड. तो इसमें जो जेम्स वाले हैं, कैडबरी जो कंपनी है, इन्होंने उस पर केस किया कि इन्होंने हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है. तो इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको एनालाइज किया एंड उन्होंने इस पर बोला दैट दीज टू हैव आइडेंटिकल कलर्स एंड स्कीम एंड विच इज which would likely cause a confusion in the mind of people. कोई normal आदमी James या James Bond को देखेगा, so they will have a confusion in their mind. Hence they are liable for trademark infringement. और उन्हें Cadbury को around 15 lakh rupees damages देने पड़े जो उन्होंने उनका नाम use किया. और ये जो केस था ये 2005 में फाइल हुआ था, तब से वो ये यूज कर रहे थे, बट उसके बाद अब जाके इसका ये डिसीजन आया एंड दे हैव बीन स्टॉप्ड इन द इंजंक्शन इज दैट कि अब आप ये यूज नहीं कर सकते, प्लस आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे बिकॉज जेम्स बॉन्ड एंड जेम्स बॉन्ड आर कंफ्यूजिंगली एंड डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क्स. तो ये जो ट्रेडमार्क है, बेसिकली कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस जिसका एक मार्क होता है, जिससे उसकी पहचान बनती है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क होता है. इसके लिए हमारे पास हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है और जिसमें सारे प्रोविजंस हैं. तो सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट टॉक्स अबाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स. तो ये जो ट्रेडमार्क है, इसको अगर कोई, ये वेल नोन ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है, और आप इसको इन्फ्रिंज कर रहे हो बाय यूजिंग इट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉपराइटर ऑफ दैट ट्रेडमार्क, तो आप लायबल हो गए इन्फ्रिंजमेंट के लिए. इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केसेस, जैसे सरदार बख्श, सरदार जी बख्श. जब आप मोस्टली बसेस में जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो ब्रिसलेरी नाम की एक बॉटल अवेलेबल होती है. वैसे जनरली तो हम बिसलेरी पीते हैं, बट देर इज दिस ब्रिसलेरी अवेलेबल एंड अ लॉट ऑफ देम. मतलब आई हैव साइटेड फ्यू ऑफ देम हियर टू यू नो लेट यू नो टू फिगर आउट दैट वॉट इज एग्जैक्टली ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. तो कल के दिन आप कोई अपने नया प्रोडक्ट कंपनी शुरू करते हो, तो आप ध्यान से इस पे गौर कीजिएगा कि कहीं आप किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे हो, अदरवाइज यू विल बी लायबल टू पे देम डैमेजेस. सो आई होप दिस वीडियो वॉज इनसाइटफुल टू यू. मीनवाइल आई एम हैविंग फिनिशिंग माई जेम्स एंड रेलिशिंग दैम. आप जाके वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट if what do you think about this judgment of Cadbury, Mondelez India Food Private Limited and another versus Neeraj Food Products, which is about GEMS, the trademark infringement.